बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लौकी के शरबत की रेसिपी लेके आई हूँ। चलिए जी इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके लिए मैंने 500 ग्राम के करीब लौकी ले ली थी और लौकी मैंने अच्छी कूनी वाली ली थी। अब इसको मैं अच्छे से छील के इसको चॉप कर लूँगी, इसके बीज सारे निकाल लूँगी। और यहाँ पे मैंने पिस्ता वाला कस्टर्ड पाउडर लिया था 1 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें ठंडे वाला दूध डाल के दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करके रख दिया था। और लौकी बीज वाली नहीं लेनी है हमें, अच्छी से कूनी लेनी है कि जिसमें ज़्यादा बीज ना होए। और लौकी को मैंने चॉप कर लिया था, उसके बाद एक पैन में इसको डाल दिया था। पैन में मैंने ऐसे ही सिर्फ लौकी डाली थी और इसको अच्छे से भून लूँगी ताकि इसका पानी सारा सूख जाए और हल्की सी ये गल जाए। और यहाँ पे 5 मिनट के लिए मैंने लौकी की अच्छे से सिकाई कर ली थी। आई इसके बाद मैंने इसमें 1 लीटर के करीब दूध ले लिया था। दूध मेरे पास उबला हुआ था, आप कच्चा दूध भी ले सकते हो। तो मैंने मलाई भी इसकी इसमें ऐड कर दी थी। मलाई से अच्छे से क्रीमी सा शरबत बन जाता है ये। आई इसके बाद मैं इसमें उबाल आने दूंगी, इसके बाद मैं चीनी डाल दूंगी। तो चीनी मैंने 4 चम्मच के करीब चीनी ली थी, चाय का चम्मच होता है ना वो 4 चम्मच नाप से मैंने चीनी ले ली थी। और दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसको उबलने के लिए रख दिया था। फिर मैंने कस्टर्ड पाउडर जो मेल्ट करके रखा था ना वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। मैंने पिस्ता वाला कस्टर्ड पाउडर लिया था ताकि मुझे इसमें फूड कलर डालना नहीं पड़ा था। माशाल्लाह से इसका टेस्ट और जायका बहुत बेहतर आया था। अब यहाँ पे 2 से 3 उबाल आ चुके थे इसमें, तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसे फ्रीज में रख दिया था ताकि अच्छे से चिल्ड हो जाए और थोड़ा और ठीक हो जाए। और ये चिल्ड हो गया था, उसके बाद मैंने इसको निकाल लिया था और मैंने ग्लास में इसको सर्व कर दिया है। और माशाल्लाह से आप देख सकते हो इसकी थिकनेस कितनी अच्छी, कितनी बेहतर लग रही है। और मैंने इसमें थोड़े से तुकमल्ले भी डाले थे। मैंने तुकमल्लों को 1 टेबल स्पून तुकमल्ले लिए थे और उसमें थोड़ा से पानी डाल के इसको भिगा दिया था 5 से 7 मिनट के लिए। ये मेरे बच्चों को और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर दीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखना जी। चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।